हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी डिश सूजी का चिल्ला बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए चाहिए हमें एक बाउल दही, एक बाउल सूजी, चॉप किया हुआ टमाटर, 3 टेबलस्पून बेसन, चॉप की हुई प्याज और ये चारों चीज़, काली मिर्च, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम एक बाउल में सूजी, दही और बेसन मिक्स कर देंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें पानी डालकर इसको थोड़ा पतला कर लीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट होने के बाद हम इसमें चॉप टमाटर, चॉप प्याज, हरा धनिया, काली मिर्च, नमक और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस ऑन करके फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा सॉल्यूशन पैन में डाल देंगे। अब हम इसे मीडियम गैस पर सेकेंगे और बीच बीच में थोड़ा घी भी लगाएंगे। जब ये नीचे से सिक जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। अगर आप अब कुछ तूफानी करना चाहते हैं तो इसे ऐसे पलटेंगे। नहीं तो आप इसे नॉर्मली ही पलट सकते हैं। आपको इस चिल्ले को तब तक सेकना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब ये चिल्ला तैयार है। आप ये चिल्ला ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।